Good morning everyone. I hope you are doing well. Today I am going to cover sobriquets of the world. Okay. Sobriquets मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को किसी जगह को या किसी चीज़ को किसी और नाम से बुलाते हैं तो उसे sobriquets कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिंक सिटी, हम लोग जयपुर को कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना sobriquets इज द निक नेम ऑफ गिवन टू समवन और समथिंग. मीन्स sobriquets एक निक नेम होता है. जैसे कि आपका कोई नाम होगा तो घर पे आपको किसी और नाम से बुलाया जाता होगा, है ना. तो sobriquets उसी को कहते हैं कि किसी और नाम से किसी जगह को बुलाना. तो फर्स्ट वन है हम लोग का, क्या है, ब्रिटेन ऑफ ईस्ट. मीन्स ये जो फर्स्ट पिक्चर हम लोग का है, ये किसका है, ब्रिटेन ऑफ ईस्ट. किसको कहते हैं हम लोग, जापान को कहते हैं. ओके. अब सेकंड है पिंक सिटी. पिंक सिटी गुलाबी शहर, सबको पता है गुलाबी शहर किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं. थर्ड पिक्चर है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, ये किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क यूएसए को कहते हैं. द फोर्थ वन इज़ कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है. फिफ्थ पिक्चर है डार्क कॉन्टिनेंट. तो डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है. ओके. और सिक्स पिक्चर है, ये किसका है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस. तो ये किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है. सेवेंथ पिक्चर है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, वो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है. ओके. अब एट है लैंड ऑफ राइजिंग सन, वैसा जगह जहाँ पे सूरज उगता है सबसे पहले, उसको कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन. वो कहाँ है, जापान. जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं. ओके. नाइन्थ वन है लैंड ऑफ सेटिंग सन. राइजिंग सन किसको कहते हैं, जापान को. सेटिंग सन किसको कहते हैं, ब्रिटेन को. अगर आपसे कोई पूछे कि वो कंट्री बताओ जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, तो आप बताओगे क्या, जापान. और पूछिएगा कि लैंड ऑफ सेटिंग सन किसको कहते हैं, तो आप किसको बताइएगा, ब्रिटेन को बताइएगा. ओके. अब आते हैं टेंथ फिगर पर, सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, वो किसे कहा जाता है, कुबा को. और मैं ये बताओ कि इंडिया में राइस बॉल किसे कहा जाता है, किस स्टेट को राइस बॉल कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, यूपी को, यानी कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है. ओके. अब आते हैं क्विक क्विज पे. आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज़ नोन एज द प्लेस ऑफ गॉड्स. ओके. तो प्लेस ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, केनिया को कहा जाता है, है ना. और आप बताओ कि विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, तो वो किसे कहेंगे, भूटान को कहेंगे. थर्ड क्वेश्चन है विच प्लेस इज कॉल्ड हाउस ऑफ ब्रीड, तो वो किसे कहते हैं, बेथलहम को कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है विच प्लेस इज कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है, बेजिंग को कहा जाता है. विच प्लेस इज कॉल्ड वेनिस ऑफ द नॉर्थ, वेनिस ऑफ द नॉर्थ किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, स्टॉकहोम को. सिक्स क्वेश्चन है कि विच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वो कौन सा जगह है जिसे हम रूफ कहते हैं, वर्ल्ड का रूफ कहते हैं, ठीक है, वो किसे कहते हैं, पामेर को, ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन है विच प्लेस इज द लैंड ऑफ लिलीज, कौन सा प्लेस है जिसको हम लिलीज का लैंड कहते हैं, तो वो कौन सा प्लेस है, कैनेडा है. विच प्लेस इज रेफर्ड एज द हाउस ऑफ स्टोन्स, कौन सा प्लेस है जिसे हम हाउस ऑफ स्टोन कहते हैं, तो वो कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस. नाइन्थ क्वेश्चन है
विच इज़ नोन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। तो प्लेग्राउंड कौन सा जगह है जो यूरोप का प्लेग्राउंड कहलाता है, तो वो कौन सा जगह है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद है 10th क्वेश्चन, विच प्लेस इज कॉल्ड लैंड ऑफ केक्स। तो वो कौन सा जगह है जिसे हम लैंड ऑफ केक्स कहते हैं, तो वो कौन सा जगह है, स्कॉटलैंड है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। तो हाँ, इंडिया में भी आप लोग बहुत सारे जगह गए होंगे। म्यूज़ियम को हिंदी में क्या कहते हैं, संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज़ों, प्रेसियस थिंग होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ही ज़्यादा प्रेसियस होता है हम लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये होता है, कीमती होता है। उससे हमें एक एक बिल्डिंग में एक रखते हैं, उसे हम म्यूज़ियम कहते हैं, और हिंदी में उसे संग्रहालय कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे संग्रहालय हैं, तो उसमें से कुछ संग्रहालय का पिक्चर्स यहाँ दिया हुआ है, तो वो संग्रहालय के बारे में, यानी कि वो म्यूज़ियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ जो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर किसका है, लॉब्रे म्यूज़ियम का। ये म्यूज़ियम कहाँ है, पेरिस में। इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ द मोस्ट विजिटेड आर्ट गैलरी इन द वर्ल्ड। इट हाउसेज हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ क्लासिक एंड मॉडर्न मास्टरपीस। इट इज़ द आइसिंग ऑन द केक ऑफ फ्रेंच कल्चर। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे आर्ट गैलरी, जो ग्रेट गेट, जो पेंटर्स वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह जो ये बनाते हैं ना पेंटिंग वगैरह, तो वहाँ पर बहुत सारे आर्ट गैलरीज है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड म्यूज़ियम का क्या नाम है, द मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट। और ये म्यूज़ियम कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसके बारे में क्या कहा गया है, द म्यूज़ियम प्रेजेंट ओवर द 5,000 ईयर्स ऑफ आर्ट वर्क, इंक्लूडिंग वेल नोन एगर डेगास पेंटिंग, द डांस क्लास। ओके, तो ये जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में 5,000 ईयर का जो आर्ट वर्क है, जो बहुत सारे जो पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उनके उनके आर्ट को यहाँ रखा गया है। ठीक है, और थर्ड पिक्चर क्या है, थर्ड पिक्चर है द ब्रिटेन म्यूज़ियम का। ये ब्रिटेन म्यूज़ियम कहाँ पे है, लंदन में। इसके बारे में क्या लिखा गया है, इट इज़ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू ह्यूमन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। परमानेंट कलेक्शन ऑफ सम 8 मिलियन वर्क्स इज़ अमंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एग्जिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पर जो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जो ह्यूमन के आर्ट कल्चर है, उसको जमा करके यहाँ पर म्यूज़ियम बना के उसको रखा गया है। ठीक है, अब फोर्थ है, तो फोर्थ म्यूज़ियम का जो पिक्चर, ये कौन सा म्यूज़ियम है, द स्टेट ऑफ हर्मिटेज म्यूज़ियम रसिया। तो इस म्यूज़ियम का क्या नाम है, द स्टेट ऑफ हर्मिटेज म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम कहाँ है, रसिया में है। और इसके बारे में क्या कहा गया, इट इज़ द म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1764। तो ये जो म्यूज़ियम है, ये कहाँ है, रसिया में है। और ये कहाँ पे बना है, कब बना था, 1764 में। और इसमें भी आर्ट और कल्चर के चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, और ये इंडिया, ये सॉरी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम है। ओके, अब फिफ्थ वन में है, नेशनल म्यूज़ियम इंडिया। तो ये जो इंडिया का जो म्यूज़ियम, इसका नाम क्या है, नेशनल म्यूज़ियम। ये कहाँ है, इंडिया में ऑब्वियसली। तो इसके बारे में क्या गया, इट इज़ अ सिचुएटेड इन जनपथ इन द सिटी ऑफ दिल्ली। इट प्रोजेक्ट्स एंड द लग्जरी कोचेज ऑफ ट्रेन यूज बाय द ग्रेट किंग्स एंड द हाउसेज अ वराइटी ऑफ ज्वेलरी पेंटिंग्स आर्मर्स डेकोरेटिव आर्ट एंड मैनुस्क्रिप्ट। मतलब कि ये जो म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम, ये इंडिया में है, किस जगह है, दिल्ली में है। ठीक है, इसमें क्या है कि लग्जरी जो राजा महाराजा जो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, तो वो उन लोग का जो कोच जो होता था, वो कैसा होता था, उसको रखा गया है, ज्वेलरी को रखा गया, पेंटिंग को रखा गया, आर्मर को रखा गया है, डेकोरेटिव आर्ट्स को रखा गया, बहुत सारे मैनुस्क्रिप्ट्स को भी रखा गया है। ओके, अब आते हैं क्विक क्यूज पे। इसका पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ द ब्रिटिश म्यूज़ियम लोकेटेड। तो ब्रिटिश म्यूज़ियम किस सिटी में लोकेटेड है, तो किस सिटी में है, ब्लूम्सबर्ग
लंदन में। सेकेंड क्वेश्चन का, वेयर इज़ द आर्ट इंस्टीट्यूट दैट होल्ड्स अमेरिकन गॉथिक, तो वो किस जगह है, तो शिकागो में है। थर्ड वन क्या है, वेयर इज़ द शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम सिचुएटेड, आप लोग भी दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में एक बहुत ही फेमस जो है एक डॉल म्यूजियम है, बहुत डिफरेंट टाइप की डॉल्स वहाँ रखी हुई है, तो आप लोग कभी दिल्ली जाइएगा तो ज़रूर जाइएगा। ओके, फोर्थ वन है, वेयर इज़ द वेटिकन म्यूजियम, वेटिकन म्यूजियम कहाँ है, तो वेटिकन सिटी में है। फिफ्थ वन क्या है, वेयर इज़ द वेस्टर्न आर्ट म्यूजियम, वेस्टर्न आर्ट म्यूजियम कहाँ है, टोक्यो में है। वेयर इज़ द गगनहेम म्यूजियम, गगनहेम म्यूजियम कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। मोमा इज़ द निक नेम ऑफ वेरी फेमस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, इन विच सिटी इट इज़, तो ये कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। वेयर इज़ द टाटा गैलरी, टाटा गैलरी कहाँ है, लंदन में है, सॉरी टाटे गैलरी कहाँ है, लंदन में। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द वेयर इन फ्रांस इज ली म्यूजिक और से, तो ये कहाँ है, पेरिस में है। ऑन विच आईलैंड इज पैरागमॉन म्यूजियम लोकेटेड, तो ये कहाँ लोकेटेड है, बर्लिन में। बर्लिन कहाँ, जर्मनी में। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीक का, और नेक्स्ट वीक में जो चैप्टर पढ़ाऊँगी उस चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम है फेमस पर्सनालिटी, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी फेमस स्टेडियम ऑफ इंडिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, और आप लोग क्या करेंगे, इसको नोटबुक में लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट। ओके, टिल देन गुड बाय।